अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। उसके लिए चाहिए लाल टमाटर, पीला ना हो आपके पास, लाल टमाटर की अच्छी चटनी बनती है। लाल टमाटर एक डेढ़ या दो आप चटनी के लिए टमाटर ले सकते हैं। उनको मैंने दरमियाना काट लिया है साइज में। हरी मिर्चें हैं, कुछ हरी मिर्चें ले ली तीन से चार। हरा धनिया है, उसको मैंने आधा काट काट के इसमें डाल दिया। कुछ नमक चाहिए हस्बैंड ज़रूरत, थोड़ा बहुत तेज़ या ज़्यादा या कम आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। ज़ीरा, ज़ीरा चाहिए हमें, ये एक या डेढ़ चम्मच के बराबर है। लहसुन चार से पाँच छः जवे आप ले सकते हैं छीन के। इनको अभी मैं आपको चटनी बनाना सिखा रही हूँ और फिर इसके साथ मैं बेसन की रोटी भी बना रही हूँ, जो आप दूसरी वीडियो में मेरी देख सकते हैं बेसन की रोटी। अच्छा जी, इन सबको मैं इसमें कूट लूँगी कुंडी डंडे में, आप इन्हें जो भी बोलते हैं मैं इसमें उससे कूट लूँगी। चाहे आप जूसर मशीन में भी आप इसे पीस सकते हैं, पर उसका जायका अलग, हाथ से कूटे हुए कर चटनी का जायका अलग होता है जी। मैं थोड़ा थोड़ा करके, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल के कूट लूँगी। सब चीज़ें डालूंगी थोड़ी थोड़ी करके, हम ये चटनी का सामान कूट लेंगे। ये हम कूट लेंगे कुंडी डंडे में चटनी जी। नाज़रीन, ये कूट लिया है मैंने कुंडी डंडे में, ये देखिए। अब ये मैं निकाल रही हूँ प्लेट में, ये देखिए बिस्कुट। जी नाज़रीन, ये आटा, बेसन का आटा मैंने गूंद लिया है। इसमें आधा किलो बेसन है और दो किलो जो है वो जी नाज़रीन, इसमें आधा किलो मैंने बेसन लिया है और दो कप आटा लिया है मैंने। बेसन इसमें ज़्यादा है और थोड़ा सा आटा है ताकि ये फटे नहीं रोटी हमारी। ये देखें बेसन, इसमें मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया था चॉप किए हुए डाल दिया, ये देखें। और फिर इसमें मैंने हरी मिर्चें चार से पांच अदद हरी मिर्चें काट ली बारीक बारीक। धनिया आधा गड्डी धनिया काट के डाला है इसमें। पुदीना डाला है मैंने आधी गड्डी। ज़ीरा है दो चम्मच। नमक कुटी मिर्चें दो चम्मच, ये डाल के हमने आटा गूंद लिया है। मैंने पेड़ा बना लिया था, पेड़े की फिर रोटी बनाऊंगी। देखिए जी, ये एक तरफ हमारे जब तक रोटी सिक रही है मैं फिर दोबारा पेड़ा बनाऊंगी। ये देखिए इतना दरमियानी मैंने पेड़ा, इसकी मोटे मोटे मोटी रोटी होती है, ज़्यादा पतली नहीं। चपातियाँ तो नॉर्मल आटे की हम बना लेते हैं। दूसरी साइड तवे पे जो हमारी रोटी सिक रही है उसको मैं पलट दूंगी। दूसरी भी रोटी हमारी सिकने के लिए तैयार है। ठीक है, मैंने बेल लिए। अब देखें इतने सारे लवाजमात इसमें डलेंगे तो जाहिर सी बात है मुश्किल होगा बेलने में, पर मज़े की बड़ी बनती है ये। थोड़ी दुश्वारी होगी आपको बनाने में, पर
ये हमारी थोड़ी थोड़ी सीख रही है, ये देखिए आप। जी ये देखिए अच्छे से इसको मैं सेक रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से ये सिकती है, कुरकुरी सी। इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। हमारी चिपक ना जाए इसको मैं जी ये देखें ये हमारी बन चुकी है। इस पे मैं घी लगाऊंगी। ये देखिए बिस्मिल्लाह। इसी तरह मैं सारी रोटियां बनाऊंगी और जब तैयार हो जाएंगी ये देखिए ये दूसरी मैंने डाल दी है। इसी तरह दोबारा मैं पेड़ा बनाऊंगी। ये देखें ये पेड़ा ले लिया है। इसी तरह सारी रोटियां बनाऊंगी। ये देखें इस तरफ हो चुकी है रोटी, पलट दी मैंने। से आपने रोटी बेलनी है वरना ये फटने का बहुत इसका ये फटना चाहिए वरना आपकी रोटी खराब हो जाएगी। देखें बस बनने वाली है ये वाली भी रोटी। जी जी तैयार है ये रोटी भी। चलिए जी इसमें भी मैं ये वाली तवे पे डालती हूँ। ठीक है जब तक ये सीख रही है तो मैं एक चम्मच इसमें घी डाल दूंगी, साइड पर लगा दूंगी और इसे हमने चटनी से खाना है जो कि मैं आपको चटनी और दही से ये रोटी खाई जाएगी ना। अभी वैसे भी तो इसका तो चटनी के साथ है रोटी खाने की,
और अगर दही है तो आप दही भी निकाल लें, मेरे पास थोड़ा दही है तो मैं वो भी दस्तरखान पे रख दूंगी। ये जब तक बन रही है मैं तो तीसरी अपनी रोटी दोबारा बेल लूंगी। अच्छा, बाकी सारी रोटियां इसी तरीके से बनेंगी। ठीक है, रोटी बना के हमने घी लगाते रहना है और ये हमने चटनी के साथ खानी है। ठीक है, इसी तरह सारी रोटियां बनानी है। और चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर भी कीजिए ताकि आगे से आगे ये वीडियोस मेरी आप लोगों को जा सके।